ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ऐसे मार्केट में ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, जो नया बजवर्ड आ गया वहां भागना है। बट यहाँ पे ये है कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट ऑप्शंस भी हैं आपके पास। नॉर्डलेस ऑफर्ड मी कि आप जाओ वहाँ सिंगापुर, हमारा एक क्लाइंट है हु इज लुकिंग फॉर द पीपल लाइक यू। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज आपको अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलाता हूँ, इनका नाम है हर्षित। हर्षित पिछले 7-8 सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करियर तो इन्होंने भी अपना स्टार्ट यहीं इंडिया से किया था, बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही बैंक ऑफ अमेरिका में इनको अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में। ओके, तो क्या है हर्षित की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। हर्षित कैसे हो भाई तुम? बढ़िया वसीम, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हर्षित, सबसे पहले तो यार अपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको भी तुम्हारे बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, सो माय नेम इज हर्षित दागा एंड मैं एक्चुअली आई एम नेटिव फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। तो मैंने अपनी स्कूलिंग, अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की थी। ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर इन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। And then post graduation I moved to Jaipur, Manipal University, वहां से post graduation किया MCA। फिर post graduation करने के बाद I joined एक बड़ी firm थी वहां पे, college से ही offer हुआ था मुझे ST Micro Electronics। So वहां पे internship हुई मेरी 6 महीने की। उसके बाद कुछ reasons की वजह से I had to leave the internship, I couldn't continue। Then कुछ महीने बाद I came up again, मैंने फिर से backfire किया and then I joined Nordless Softwares जो कि नोएडा में है फिलहाल। So वहां से actually मेरी journey start हुई as a software developer, because there I spent my 7 wonderful years। तो अपनी जर्नी तो नोएडा से स्टार्ट होगी, दैट इज वेरी गुड। अब यार ये जो पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस रहा ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। मतलब वहाँ पे क्या जॉब प्रोफाइल थी, किस टाइप का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्या वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ इसके बारे में। तो जब मैंने नॉर्डलेस ज्वाइन किया था आई वॉज जस्ट अ कॉलेज ग्रेजुएट, राइट? सो ज्यादा आइडिया नहीं होता, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस कि क्या करें कैसे करें, आपका दिमाग भी घूमता रहता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, अच्छा मार्केट में ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, जो नया बजवर्ड आ गया वहां भागना है। उस वक्त भी इतने बजवर्ड थे, आज भी इतने बजवर्ड हैं, आज और ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये यहाँ भागेंगे, तो आपका दिमाग घूमता रहता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यू हंट फॉर जॉब, क्योंकि आपके पास प्रेशर रहता है कि यार कॉलेज कंप्लीट हो गई, आपके पास जॉब नहीं है या कुछ भी काम करने को नहीं है। तो उस वक्त एक आपको एक डायरेक्शन लेके चलना होता है, या अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो जो आपको मिले आप उसको ग्रैब कर लो, फिर आप उस पर काम कर लो, फिर आपको लगे सही है तो उस पर कंटिन्यू कर लो, नहीं तो लुक फॉर समथिंग बेटर। तो वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ, ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे तो पता भी नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जैसे जैसे मुझे ऑप्शंस मिलते गए, जैसे जैसे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई, सो आई ग्रैब्ड एंड यस टुडे ठीक है। जब भी पीछे का भी ट्रैवल देखता हूँ 7 साल का सफर, तो लगता है हाँ बहुत कुछ अचीव किया है, बट स्टिल लॉट मोर टू अचीव। तो हर्षित तुमने अपना जो करियर है वो किस डोमेन में स्टार्ट किया? फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, iOS या फिर XYZ किसी और डोमेन में? नहीं, मेरा एक्चुअली जो करियर था वो फुल टाइम बैकएंड डेवलपर था, मोबाइल एप्लीकेशंस थे। ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स आई माइट हैव डन फ्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स, उस वक्त आई थिंक एंड्रॉइड भी नया नया था, तो वो एक रहता है ना कि हाँ कैसे दिखता है मेरा एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर, मैं उसको डिप्लॉय करके देखूंगा APK फाइल बना के। तो उस वक्त नया नया लगता था, एक टेक्स्ट पेज टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, अपना नाम लिख रहा हूँ, मुझे अपना नाम दिख रहा है ये वो। बट देन पता लगा कि आई थिंक ये मेरा प्रोफाइल नहीं है। सो फिर बाद में व्हेन आई जॉइन नॉर्डलेस, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड वहां से मेरी एक्चुअली फिर अभी भी मैं उसी प्रोफाइल में, उसी डोमेन में ही वैसे ही काम कर रहा हूँ। इन द ईयर 2019 दिसंबर, जस्ट बिफोर कोविड अपीयर्ड, तो मैं सिंगापुर मेरा आना हुआ, और एक आना आई थिंक इट वॉज नेवर इन माई लिस्ट टू लीव इंडिया। सो मतलब इंडिया छोड़ना मेरे मतलब उसमें था ही नहीं कि यार मुझे फॉरेन जाना है या जो भी है। मैं दिल्ली में आई वॉज हैप्पी, आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल देयर, बट ठीक है, नॉर्डलेस ऑफर्ड मी कि आप जाओ वहां सिंगापुर, हमारा एक क्लाइंट है हु इज लुकिंग फॉर द
फॉर द पीपल लाइक यू टू बिल्ड टू हेल्प बिल्ड देयर सॉफ्टवेयर्स. तो वहां पे मैं गया, मतलब दिल्ली से मैं सिंगापुर आया इन द ईयर 2019. फिर यहाँ पे उनका क्लाइंट के लिए काम किया, फिर 2 ढाई साल बाद काम किया मैंने वहां पे. तो अभी देन आई थॉट कि अब मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए. देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट हेयर ओनली इन द सिंगापुर. फिर एट नाउ एट प्रेजेंट आई एम विद बैंक ऑफ अमेरिका सिंगापुर. और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक आई एम रनिंग विद माई 4th मंथ हेयर इन बैंक ऑफ अमेरिका. तो बैंक ऑफ अमेरिका भी ऐसा था कि ठीक है, ऑप्शंस थे मेरे पास, बट आते गए नहीं आते गए ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी. फिर एक टाइम बाद लगा कि नहीं, अब सारे अगर ऑप्शंस आप मिस करते रहोगे देन तो फिर चला जाएगा. नहीं। देन दिस वन केम एंड आई आई सेड यस. तो भाई तुम सिंगापुर में रहते हुए ही दूसरी कंपनी देख रहे थे, दैट इज़ गुड, बट मुझे उस प्रोसेस के बारे में जानना है बेसिकली। मतलब सिंगापुर में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब हमें दूसरी कंपनी में जाना है, तो क्या प्रोसेस रहती है? मतलब कोई जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है, पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, या रेफरल्स वगैरह ढूंढने होते हैं? मतलब इंडिया में तो काफ़ी सारी प्रोसेस है ना, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे आप वहाँ की प्रोसेस के बारे में बताओ। जॉब ठीक है, जैसे इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा मतलब वो उतना नहीं है. हेड हंटिंग होती है बट उतना ज्यादा वो नहीं है. इंडिया में तो क्या है, आपके पास आप एक अगर आप बोलो आपके पास 10 फोन आएंगे, 15 फोन आएंगे या जो भी आपको अप्रोच, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है. बट यहाँ पे ये है कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बट ऑप्शंस भी हैं आपके पास. तो अगर आप बोलते हो लिंक्डइन पे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, सो दे नाइसली अप्रोच टू यू. अच्छा ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू ड्रॉप मी अ मेल या जो भी है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दो. वी विल लुक आफ्टर फॉर योर प्रोफाइल एंड गिव यू द सजेशंस. तो वो भी थे बट बैंक के साथ ऐसा था कि आई थिंक डायरेक्टली मैंने पोर्टल पे अप्लाई किया और लकीली दे कॉल्ड मी एंड देन इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ एंड एवरीथिंग हैपेंड. इंटरव्यू प्रोसेस उनका काफी स्ट्रक्चर्ड है, मतलब ऐसा कोई वेग नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स. तो एक दो राउंड हुए मेरे इंटरव्यूज के. सो क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया. दे गेव मी अ प्रॉब्लम कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, आपको यू हैव टू सॉल्व देम. और इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, एटलीस्ट कंसेप्चुअली यू अगर आप एबल टू थिंक आउट कि हाउ विल आई सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, हाउ विल आई कोड दिस प्रॉब्लम. तो वैसा था, इट वॉज अ टू टू आवर ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस. सो सिंपल जूम कॉल थी एंड आई हैड टू शेयर माई स्क्रीन. आप उस पर IDE पे आप कोड कीजिए, आपको कैसे कोड करना है, आपकी प्रॉब्लम कैसे डिजाइन करोगे, उसको कैसे बेटर हैंडल करोगे. तो वो सब था एंड देन उनको लगा कि ठीक है, ही कैन डू इट एंड ही इज अ फिट फॉर आवर कंपनी एंड देन आई वाज चूजन. तो हर्षित, मुझे अभी इस बारे में बताओ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बैंक में किस तरीके की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, किस तरीके का काम उसको मिलता है? बैंक बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं बैंक को लेके कि बैंक है तो बस ठीक है, वो रोकड़ा जमा करेगा या जो भी है, काउंटर पे जाके कैश का काम करेगा, या मैनेजर है जैसे तो साइन करेगा, सर ये फाइल अप्रूव कर दो. बट ऐसा नहीं है एक्चुअली. दिस इज वर्ल्ड वाइड बैंक. इट इज नोन फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन द वर्ल्ड. तो इनके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं इनकी. इनकी अप्रोच स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी है. दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ब्रोकर्स. सो दोनों पार्टीज को अट्रैक्ट करते हैं. इनका इनका क्लियरिंग, इनका बैंक से क्लियरिंग भी होती है, इनका एक्सचेंज से भी लिंक होता है. तो आप अगर सिंपल वर्ड सिंपल अगर लैंग्वेज में इफ आई एक्सप्लेन, सो जैसे इंडिया में अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप जाओगे ब्रोकर के पास कि मुझे फलाना फलाना शेयर खरीदना है, ये अभी के भाव है, इसको बुक कर दो. सो सेम काम आपका ये भी करता है बैंक, बट इट्स नॉट विद इंडिया, इट्स द वर्ल्ड वाइड. आज इंडिया का मार्केट है, सिंगापुर का मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, या फलाना जो भी मार्केट है. तो इनकी अप्रोच सब जगह है. तो भाई वैसा रहता है. और क्योंकि वर्ल्ड वाइड है तो रेगुलेशंस और कंप्लाइंसेस ये सब बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, आपको ऐसे करना है. चाइना मार्केट के अपने अलग कंप्लाइंसेस होते हैं, इंडिया मार्केट के अलग कंप्लाइंसेस होते हैं. सबका क्लियरिंग टाइम अलग होता है, किसी का 3:30 बजे होता है, किसी का 5 बजे होता है, किसी का 24 आवर्स चलता रहता है. तो उसके हिसाब से अपना ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं कि भाई एक ब्रोकर के पास एक ट्रेडर आया, ब्रोकर के पास दूसरा ट्रेडर आया, अच्छा दोनों का सेम मैच कर रहा है,
तो चलो ठीक है, इसका ट्रेड बुक करके आगे बुकिंग के लिए, कॉन्फर्मेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए भेज दो। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रोफाइल है, इसी के अंदर मैं कहीं फिट होता हूँ। तो ये है, बाकी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, तो बस वैसा है। तो हर्षित वहां पर ना, ये तो तुमने बता दिया कि एज एक्सपीरियंस होल्डर तुम वहां पे लगे, ठीक है, दैट इज गुड। बट अगर कोई फ्रेशर वहां मूव करना चाहे इंडिया से, तो क्या शेयर करना चाहोगे इन्फॉर्मेशन? मतलब सही होगा वो स्टेप या नहीं? मतलब कहने का मेरा पॉइंट ये है कि फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल सकती है या फिर नहीं? ऑनेस्टली अगर बोलूं तो फ्रेशर के लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स तो उनको यहाँ भी मिल जाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पे भी फ्रेश ग्रेजुएट्स इंडिया से भी आते हैं, वर्ल्ड वाइड दूसरी कंट्री से भी आते हैं, तो वो तो यहाँ भी मिल जाएंगे। बट फ्रेश ग्रेड्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि दे प्रोबेबली डोंट नो व्हाट टू कोड, हाउ टू कोड। करेक्ट। और क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनपे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हर चीज पे, उनको कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्या टेक्नोलॉजी, उनके साथ स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, बेबी स्टेप लेके। तो इसीलिए एक्चुअली यहाँ कंपनीज उन कैंडिडेट्स, उन फ्रेश कैंड सॉरी उन कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करती जो कि फॉरेन नेशनलिस्ट या मतलब बाहर से जो आ रहे हैं एज अ फ्रेशर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बीकानेर या जयपुर में रह के मैंने अगर सिंगापुर की किसी फर्म में अप्लाई किया होता, सो देर वर टूवर्ड 0% चांसेस कि मुझे कंपनी सेलेक्ट करती। शायद इंटरव्यू राउंड तक ले ले कि ठीक है कोड कर लिया, बट उसके बाद भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, दे आर आंसरेबल टू गवर्नमेंट ऑल्सो कि यार आप ले तो रहे हो फ्रेश ग्रेजुएट, बट वो तो हमारे पास यहाँ भी है, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। अच्छा हर्षित, एक बात ये बताओ, वहां सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएसए, सिस्टम डिजाइन या एक्स वाई जेड, जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पर कितना फोकस किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एक फ्रेशर के लिए भी और एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन के लिए भी? डीएसए तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके उसमें नसों में बहना चाहिए, डीएसए आप भूल ही नहीं सकते। डीएसए अगर फ्रेशर्स की बात करें तो लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक एरे पुश पॉप और ये सब क्या होते हैं, डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, ये आपको कहीं ना कहीं रोज डे टू डे लाइफ में आपके साथ इन्वॉल्व होएगा ही होएगा। भले ही आप उतना डीपली नहीं सोचते हो कि लिंक लिस्ट के अंदर टेल है, वो है, वैसा है, बट कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि यार इस ये सिस्टम स्लो चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत डेटा स्ट्रक्चर लगा है। फिर आपका दिमाग दौड़ेगा, अच्छा ये 3 सेकंड की जगह 5 सेकंड ले रहा है, तो 2 सेकंड कहाँ जा रहे हैं मेरे, तो मैं और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करूं कि ये और टाइम रिड्यूस हो जाए। देन यू स्टार्ट गूगलिंग, अच्छा ये ऐसा 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 ऐसा, तो वो सब तो चलता रहेगा, आप डीएसए कभी छोड़ नहीं सकते। उसके बाद अगर आप फ्रेशर, अगर आप फ्रेश वाला, आप मतलब आपने फ्रेशर वाला जोन आपने क्लियर कर लिया, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस हो, सो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप सिस्टम डिजाइनिंग में कितना इन्वॉल्व हो, एप्लीकेशन डिजाइनिंग में कितना इन्वॉल्व हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया हो गया, कब कहाँ कैसा डेटा स्ट्रक्चर पुट करना है, क्यों पुट कर रहे हैं, और उसको उसको आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे फिट कर रहे हो, सिस्टम डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो आप कैसे कर रहे हो, फिर वो भी मैटर करता है। उसके बाद आप ज्यादा लेवल पे जा रहे हो तो आर्किटेक्चर लेवल पे अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो 10-15 साल, तो आपको आर्किटेक्चर मल्टीपल सिस्टम्स कैसे आपको इंटीग्रेट करके एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पर आपका फोकस रहता है। फिर अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो कि चलो ठीक है मैं कोड नहीं करूंगा, बट मेरी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, मैं कोड करवा सकता हूँ, किसी से काम करवा सकता हूँ, तो वो भी है, ऐसा है। तो डोमेन्स तो आपके हर जगह रहेंगे, इट्स जस्ट कि आप कहाँ फिट होते हैं वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग रोल्स भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा ठीक है बहुत हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाऊंगा। तो अगर अगर आपका फर्म अलाउ करता है, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका में है, मैंने कुछ देखे हैं, तो बोलते चलो ठीक है आप मे बी यू आर नॉट मेच्योर फॉर डे वन, बट हम आपको धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, आप किसी के साथ काम करो। तो मैंने देखा है मेरे सामने ही किसी ने रोल के चेंज किया था अपना। तो भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा सैलरी पैकेजेस को लेके। आई नो कि काफी डिफरेंस आएगा बिकॉज हम दो अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करें, बट तुम मुझे ये बताओ, वहां पे तुमको रहते हुए 2-2.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होने वाले हैं, तो एक फ्रेशर का वहां पर सैलरी स्टैंडर्ड क्या है? मतलब एक अगर आप एक एज अ फ्रेशर कहीं पर लगते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे, तो आपको मिनिमम कितना पैकेज मिलता है? सैलरी का ये है कि क्योंकि आप फॉरेन एक्सपेक्ट हैं,
एक्सपैट हैं तो आप गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. सो इट्स जस्ट नॉट कि कंपनी ने आपको फलाना अमाउंट ऑफर कर दिया और आप आ गए. सो एक मिनिमम रहता है कि गवर्नमेंट को मेंटेन करके चलना पड़ता है एक स्टेटस अपना. तो आज की डेट में गवर्नमेंट की अगर वेबसाइट पे जाके देखें कि भाई मिनिमम सैलरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की कितनी होगी यहाँ पे, सो दे से अराउंड 5,000 सिंगापुर डॉलर पर मंथ, विच इज योर अराउंड 60,000 सिंगापुर डॉलर्स या 12 to 60,000 एनम. ये मिनिमम है आपकी अगर आपको यहाँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना है. इससे नीचे आपको कोई फर्म ऑफर कर रहा है, सो पहली बात ये ऑफर कर ही नहीं सकता. और अगर आपको कर रहा है तो यू शुड नेवर एक्सेप्ट इट. आप उसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि यार वेबसाइट पे तो ये दिखा रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए. ये है रॉ, एकदम एकदम वो वाली, एकदम मतलब नीचे वाली रेंज है. कि उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज में आपको एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से आ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई आई टी एंस का पे स्केल ऑफकोर्स बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सम अदर फॉर्म अदर कॉलेज और इंस्टीट्यूट. कहाँ से है वो, कितना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, वो सब चीजें भी मैटर करती है. सो कुल मिला के मिनिमम 5,000 सिंगापुर डॉलर इज मस्ट है, इज बेयर मिनिमम पैकेज है. दैट्स ओके ट्रू. थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू यार, मुझे भी अच्छा लगा ये, मतलब ऐसे करके मतलब फ्रेशर्स को थोड़ा मिल जाता है मोटिवेशन. तो मतलब ठीक है, इफ वी कैन डू समथिंग गुड फॉर देम, इट्स ऑलवेज वेलकमिंग.